नमस्कार, आप देख रहे हैं जी बिजनेस। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। विवादित ढांचा गिराए जाने के मामले में लखनऊ में सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने आडवाणी समेत 12 लोगों पर क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के तहत आरोप तय किए हैं। 12 आरोपियों ने केस खत्म करने के लिए कोर्ट में अर्जी दी थी और कहा था कि विवादित ढांचा गिराए जाने में उनका कोई रोल नहीं था, लेकिन कोर्ट ने इसे रिजेक्ट कर दिया। आडवाणी समेत 12 लोग सीबीआई कोर्ट में पेश हुए थे और कोर्ट ने इन्हें जमानत दे दी। जमानत के लिए सभी आरोपियों ने 20,000 का बेल बॉन्ड भरा। तो अदालत ने 12 लोगों को यहां पर की आरोप खत्म करने की अर्जी को यहां पर खारिज कर दिया। लालकृष्ण आडवाणी समेत 12 लोग यहां पर आज सीबीआई की विशेष अदालत में पहुंचे और कोर्ट ने सभी आरोपियों को 20,000 की बेल बॉन्ड पर जमानत दे दी है। मेरे साथ मेरी सहयोगी अमिता इस पर ज्यादा अपडेट के जुड़ गई है। अमिता, यहाँ पर फिलहाल तो कोर्ट ने 12,000 के बॉन्ड पर बेल दे दी है, लेकिन अगर आरोप तय हो जाते हैं तो आगे किस तरह से कार्रवाई बढ़ेगी और क्या कुछ सजा का प्रावधान है? देखिए, फिलहाल जिस तरह से बेल दे दी गई है, इतना तो है कि आज की सुनवाई कई मायनों में अहम थी। जिस तरह से 5-12 आरोपी आज पेश हुए हैं कोर्ट में, और जिनमें से 6 अहम कह सकते हैं, जिसमें बीजेपी के बड़े नाम रहे, मुरली मनोहर जोशी, साध्वी रितंबरा, उमा भारती, विनय कटियार और लालकृष्ण आडवाणी, ये सभी लोग फिलहाल, इनके खिलाफ जो आरोप तय हो गया है कोर्ट से वो 120B का आरोप है, जो कि इनके खिलाफ इसी धारा के तहत मुकदमा चलाया जाएगा। आज जो कोर्ट में सुनवाई हुई वो ये सभी आरोपी तो मौजूद रहे ही, लेकिन अपनी तरफ से आरोपियों ने ये दलील रखी कोर्ट में कि उनका कोई रोल इस मामले में नहीं था और उन्होंने भीड़ को रोकने की कोशिश की, लेकिन अदालत ने इनकी इस दलील को नहीं माना और आने वाले दिनों में इसका हम राजनीतिक तौर पर भी असर देख सकते हैं। फिलहाल 6 जो नाम है, जिसमें मुरली मनोहर जोशी, लालकृष्ण आडवाणी, उमा भारती, विनय कटियार, विष्णु हरि डालमिया के नाम शामिल हैं, इन सब लोगों को निजी मुचलके पर जमानत जरूर मिल गई है, लेकिन 120B के तहत जो आपराधिक साजिश का मुकदमा है वो इनके खिलाफ चलाया जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अमिता इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। तो सभी आरोपियों पर 120B के तहत यहां पर केस चलेगा और फिलहाल निजी मुचलके पर इन्हें जमानत मिल गई है, लेकिन आगे भी ये केस यहां पर जारी रहेगा। और सुनिए, यहां वकील ने क्या कुछ कहा। आज यहाँ पे डिस्चार्ज पे हमने बहस करनी थी। हमारा ये कहना था कि हमारे खिलाफ कोई भी आरोप बनता नहीं है, 120B का जो हमको मुजरिम बनाया जा रहा है, हमारे खिलाफ पुलिस की चार्जशीट में कोई भी मामला नहीं बनता है। एक ये पक्ष लेके, दूसरा जमानत अप्लीकेशन, जो भी बेल अप्लीकेशन थी 6 एक्यूज की, इसको लेके हम आज माननीय न्यायालय के समक्ष हाजिर हुए थे। माननीय न्यायालय ने हमारी बेल अप्लीकेशन को एक्सेप्ट कर लिया और सभी अभियुक्तों को 20,000 के निजी मुचलके पे रिहा कर दिया। वहीं साथ ही साथ हमारी जो डिस्चार्ज एप्लीकेशन थी, जिसमें हमने ये प्ली लिया था कि देर इज नो एनी एविडेंस हैज बीन फाउंड ऑन ग्रास रूट लेवल एंड देर इज नो एनी कंटेंट इन चार्जशीट विच हैज बीन फाइल्ड बाय द पुलिस, तो जब ऐसा कुछ भी नहीं है तो 120B हमारे क्लब कैसे बनेगा? तो माननीय न्यायालय ने हमको भी और प्रोसिक्यूशन को भी, बचाव पक्ष के साथ साथ प्रोसिक्यूशन को भी सुना और उसके बाद हमारे क्लब जो है, हमारी डिस्चार्ज एप्लीकेशन को रिजेक्ट करते हुए क्लब चार्ज फ्रेम किया है। आगे बढ़ लेते हैं। तो सरकार एयर इंडिया को सुधारने और कॉम्पिटिटिव बनाने के लिए कई विकल्पों पर विचार कर रही है, जिसमें एयर इंडिया का विनिवेश भी शामिल है। सिविल एविएशन राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने जी बिजनेस से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि सभी का मानना है कि एयर इंडिया को कॉम्पिटिटिव बनाना चाहिए और इसके लिए सरकार सभी विकल्प देखने के लिए तैयार है। एयर इंडिया को सुधारने के लिए नीति आयोग से भी सुझाव मिले हैं, जिन पर विचार किया जा रहा है। हाल ही में वित्त मंत्री अरुण जेटली के एक बयान के बाद एयर इंडिया को बेचे जाने की अटकलें लगाई जा रही हैं। जेटली ने कहा कि सरकार एयर इंडिया की हिस्सेदारी बेच सकती है और जेटली ने यह भी कहा कि सरकार एयर इंडिया से बाहर निकलने की योजना बना रही है। हम आपको बता दें कि एयर इंडिया पर करीब 50,000 करोड़ रुपए का कर्ज है।
तो एयर इंडिया पर करीब 50,000 करोड़ रुपए का खर्च है। जेटली ने कहा कि सरकार एयर इंडिया से बाहर निकलने की योजना बना रही है, तो एयर इंडिया का विनिवेश होगा या नहीं यह आने वाले दिनों में साफ हो जाएगा। लेकिन वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने यहां पर साफ किया है कि सभी की तरफ से सुझाव है या फिर ये माना है कि एयर इंडिया को कॉम्पिटिटिव बनाना चाहिए। मेरे साथ समीर दीक्षित यहां पर ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। समीर, जयंत सिन्हा ने एक तरह से साफ किया है कि एयर इंडिया को कॉम्पिटिटिव बनाना चाहिए, हालांकि वित्त मंत्री अरुण जेटली ने बातों ही बातों में ये बात सामने रख दी थी कि एयर इंडिया का विनिवेश हो सकता है। ऐसे में क्या कुछ अपडेट फिलहाल आपके पास है? देखिए, अब जब हमने एविएशन मंत्रालय से पूछा कि इस पर देखिए वित्त मंत्री ने जो कहा है क्या वो उसके साथ सहमत हैं और क्या एयर इंडिया के विनिवेश के रास्ते खुले हैं, यहाँ पर एक ही जवाब सामने से आया कि एयर इंडिया को उसकी स्थिति को बेहतर बनाने के लिए और आगे इस ब्रांड को कंटिन्यू करने के लिए जो भी विकल्प होंगे वो तमाम विकल्प इस वक्त मंत्रालय के सामने हैं, वो उस पर विचार कर रही है और उस पर फैसला लिया जा सकता है। लेकिन कुछ एविएशन अधिकारियों से हमारी बात हुई, उन्होंने एक लाइन पे ये ज़रूर कहा कि एयर इंडिया एज अ ब्रांड विल कंटिन्यू, यानी कि एयर इंडिया जो उसका रूप है वो बरकरार रहेगा, वो आगे उसको और मजबूती के साथ टर्न अराउंड के लिए जो कुछ भी किया जाना है वो कुछ किया जाएगा। लेकिन ये ज़रूर है कि जो विनिवेश का रास्ता है वो फिलहाल एक प्रस्ताव है, फिलहाल एक विचार है जिस पर मंत्रालय उसको दरकिनार नहीं कर रहा है। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया समीर। सुनिए जयंत सिन्हा ने यहाँ पर क्या कुछ कहा हमसे एक्सक्लूसिव बातचीत में, ये भी आपको सुना देते हैं। बहुत इस बारे में बात हो रही है कि उसके डिस इन्वेस्टमेंट को लेकर सरकार शायद आगे कदम बढ़ाए, क्या जवाब आपकी तरफ से कि एविएशन मंत्रालय का क्या कहना है? हम लोग ये कह रहे हैं कि एयर इंडिया के सुधार के लिए, एयर इंडिया को और दुरुस्त बनाने के लिए, एयर इंडिया को और कम्पिटिटिव बनाने के लिए जो भी हमें विकल्प करने हो वो हम करने को तैयार हैं, उन सब का अध्ययन हो रहा है और देखिए आगे आगे क्या होता है। जी बिजनेस के साथ आपने जो एक्सक्लूसिव बातचीत करी थी, इंटरव्यू दिया था अभी हाल ही में, उसमें आपने स्पष्ट कहा था कि इस तरीके के डिसइन्वेस्टमेंट की कोई योजना नहीं है लेकिन उसके टर्न अराउंड के लिए ज़रूर कई कदम उठाए जाएंगे। लेकिन अब खुद जब वित्त मंत्री कह रहे हैं कि 50,000 करोड़ का बोझ है और मात्र 14% मार्केट शेयर है तो हम इस बोझ को क्यों आगे लेकर जाएं, क्या कहेंगे? इस सरकार से चाहे मैं हूँ या माननीय मंत्री जी हैं, हम लोगों ने हरदम यही कहा है कि एयर इंडिया के सुधार के लिए, एयर इंडिया के कम्पेटिटिवनेस के लिए जो भी कुछ करना हो उसको करने के लिए हम लोग बिल्कुल तैयार हैं। और जैसे आज भी हम लोगों ने कहा कि जो भी विकल्प को हम लोगों को देखना हो वो हम देखने को तैयार हैं, और इसलिए आज के समय नीति आयोग से भी हम लोगों का कई सुझाव मिले, इन सब का हम अध्ययन कर रहे हैं। ये विकल्प भी एक वन ऑफ द ऑप्शन बना रहेगा, सब ऑप्शंस जो हैं उनका हम अध्ययन कर रहे हैं। बतौर मंत्री आप दर्शकों को कैसे बताना चाहेंगे कि जो टर्न अराउंड की आप लगातार बात कर रहे हैं कि सुधार की दिशा में हम आगे जा रहे हैं एयर इंडिया को लेकर, क्या वो कदम होंगे कि आपको लगता है कि रिवाइव होगा उस तरीके से हमारे देश के लिए, हमारी जनता के लिए? एयर इंडिया जो है वो एक नेशनल एसेट है और हम सबकी जिम्मेवारी यही, हमारा दायित्व ये बनता है कि हम इस नेशनल एसेट को किस तरीके से दुरुस्त बनाएं, किस तरीके से कम्पिटिटिव बनाएं, इसके लिए हमें जो भी कुछ करना हो उसको हम करने को तैयार हैं। अब इसमें आप जो ओनरशिप की बात जो करते रहते हैं वो भी एक फैक्टर है, पर इसमें और भी बड़े फैक्टर्स हैं। फैक्टर ये है कि आपकी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, आपका फाइनेंशियल पोजीशन किस तरीके से और दुरुस्त हो, उसकी रिस्ट्रक्चरिंग कैसे की जाए, आपका जो गवर्नेंस और मैनेजमेंट है उसे हम कैसे दुरुस्त करें, आपका ऑपरेशनल परफॉर्मेंस है उसको हम कैसे बेहतर करें, इन सबको हम लोगों को देख कर, इन सबको समझ कर हमें एक इस तरीके से एक प्लान निकालना है, उसको रचना है जिसमें कि हम एयर इंडिया को बहुत ही बढ़िया बना सकें। तो एयर इंडिया को नेशनल ट्रेजर यहाँ पर जयंत सिन्हा ने माना, साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि सरकार एयर इंडिया के मामले में जांच एजेंसियों का सहयोग भी कर रही है। सीबीआई ने एयर इंडिया के 111 एयरक्राफ्ट खरीद मामले में केस रजिस्टर किया। जयंत सिन्हा के मुताबिक विमानों की खरीद पिछली सरकार के समय हुई थी लेकिन सरकार की जिम्मेदारी जांच एजेंसियों का सहयोग करना है। हम आपको ये भी बता दें कि एयर इंडिया ने 70,000 करोड़ रुपए में 111 एयरक्राफ्ट खरीदे थे और ये खरीद यूपीए सरकार के दूसरे कार्यकाल में हुई थी। सीबीआई ने आईपीसी की धारा 120B, 420 और पीसी एक्ट के तहत एयर इंडिया के अधिकारियों और कुछ अननोन लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।
हम लोग पूरा सहयोग देंगे, जो भी हमारी इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज हैं उनको जो जो आंकड़ों की ज़रूरत हो, जो जो फाइलों की ज़रूरत हो, वो हम लोग बिल्कुल देने को तैयार हैं। जिन बातों की आप जिक्र कर रहे हैं वो इतिहास की बातें हैं, हम लोगों के आने के पहले की बातें हैं। हमारा इस समय जो काम है और जो हमारी जिम्मेवारी है वो यह है कि हम लोग पूरी तरीके सहयोग दें इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज को, और जहाँ भी उनको जो फैक्ट्स हैं, जो आंकड़े हैं, जहाँ भी उन्हें ले जाते हैं, वो अपने आप वो उसका नतीजा तय करेंगे और ये तय करेंगे कि किस प्रकार से उसे न्यायालय पहुंचाया जाए। और चलिए बाजार की बात कर लेते हैं। तो सेंसेक्स और निफ्टी नए रिकॉर्ड स्तर पर बंद हुए। भारतीय बाजारों की कमजोर शुरुआत हुई और पूरे कारोबारी सत्र में बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिला। कारोबारी सत्र के आखिरी घंटे में बाजार में खरीदारी बढ़ी और बाजार दिन के ऊपरी स्तरों के करीब बंद हुआ। दिग्गजों के मुकाबले मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में ज्यादा खरीदारी रही। सेंसेक्स 50 और निफ्टी 20 अंक की बढ़त के साथ बंद हुए। फार्मा, बैंक, सीमेंट, रियल्टी, तेल, गैस, मेटल शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी रही और टेलीकॉम, कंज्यूमर ड्यूरेबल, कैपिटल गुड शेयरों में बिकवाली देखने को मिली। मार्केट में तेजी तो आ रही है काफी। चैलेंज ये रहता है जो जैसे हम लोग स्टॉक सिलेक्शन करने जाते हैं तो हम मार्केट तो खरीदते नहीं, हम तो इंडिविजुअल स्टॉक्स खरीदते हैं। Right. तो उसमें ये चैलेंज सबसे ज्यादा है कि इतने मिड कैप टाइप ऑफ स्टॉक्स जो हमको पसंद है उनमें से काफी महंगे हो गए। ओवरहीटिंग था वो मेरे ख्याल कम हो रहा है और ये एक लाजमी बात भी है क्योंकि बहुत ज्यादा मिड कैप्स बढ़ चुके थे। मुझे ऐसे लगता है कि 94.50-95 पे ही आपको सपोर्ट मिल जाएगा ऑन द डाउन साइड, और ऑन द अपसाइड अब थोड़ा टाइम लगेगा बट इस सीरीज में मेरे ख्याल हमें 97 भी एक बार देखने को जरूर मिलेगा। तो लार्ज कैप्स को आपको प्रेफरेंस देना पड़ेगा, मिड कैप में मुझे लगता है कि अभी भी पेन बाकी है। मेरे साथ रजत ज्यादा अपडेट के चुके हैं। रजत, एक्सपर्ट्स का मानना है कि जून में निफ्टी 9700 तक यहां पर पहुंच जाएगा, क्या कुछ और अपडेट आपके पास है? बिल्कुल, बड़ी तेजी तो नहीं लेकिन धीरे धीरे ही सही बाजार नए लेवल्स जरूर छुएगा ऐसा ज्यादातर जानकार मान रहे हैं, और वो हो भी रहा है। रिकॉर्ड लेवल्स की क्लोजिंग लगातार पिछले कुछ ट्रेडिंग सेशन से आती हुई नजर आई, आज भी रिकॉर्ड लेवल्स पे क्लोज हुए 9624 के लेवल पे, अब तक की सबसे बेहतरीन क्लोजिंग है। लेकिन बाजार पे कोई मेजर डाउनसाइड एक्सपेक्टेड नहीं है, हर 50 पॉइंट्स के आसपास अब सपोर्ट बाजार लेता हुआ नजर आएगा। तेजी जो बाजार में आज बनी उसमें फार्मा पैक शामिल था, निचले से पुल बैक बना और बिंदु फार्मा में तो नतीजों का ट्रिगर था, इंडेक्स का सबसे ज्यादा बढ़ने वाला स्टॉक था। अदानी पोर्ट, NTPC, BOB, टेक महिंद्रा ये निफ्टी पे सबसे ज्यादा चढ़े। गिरावट वालों की सूची में पावर ग्रिड, BPCL, भारतीय इंफ्रा, ITC, HDFC ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर आज बिकवाली ज्यादा हावी होती नजर आई। लेकिन थीम मार्केट की आज फार्मा स्टॉक्स पिछले दो ट्रेडिंग सेशन से बहुत स्मार्टली गेन कर रहे हैं ओवरसोल्ड टेरिटरी से, और बिंदु के साथ साथ कोप्रांस, स्पार्क, जुबलेंट लाइफ और साथ साथ नेटको फार्मा जिसके नतीजे बाजार बंद होने से कुछ समय पहले आए उसमें अच्छी तेजी बनती हुई नजर आई। PSU बैंकिंग स्टॉक्स चढ़ गए आज, बैंक ऑफ इंडिया, BOB, सिंडिकेट बैंक, आंध्रा बैंक पिछले कुछ दिनों में बहुत स्ट्रांगली बिकवाली थी, आज एक बाउंस बैक देखने को मिला। NBFC स्पेस में हाउसिंग फाइनेंस कंपनी और दूसरी फाइनेंस कंपनियों में अच्छी तेजी देखने को मिली। कैनफिन होम्स, बजाज फिनसर्व, इक्विटास, PNB हाउसिंग और भारत फाइनेंशियल जैसे स्टॉक्स चढ़े। मानसून ने केरल में दस्तक दे दी और वो भी दो दिन पहले, समय सीमा से दो दिन पहले दस्तक दी है, उसका एक बेहतर ट्रिगर बन गया फैक्ट, धनुका एग्री, साथ साथ मैंगलोर केमिकल जैसे स्टॉक्स में। लेकिन ऑटो पैक में हीरो मोटोकॉर्प और अशोक लेलैंड जैसे स्टॉक्स में मोमेंटम काफी स्ट्रांगली देखने को मिला। कुछ चुनिंदा स्टॉक्स जहां पर आज निचले स्तरों से खरीदारी थी उसमें इंडिया सीमेंट शामिल था, अदानी ग्रुप बस कर रहा था, अदानी एंटरप्राइजेस, अदानी पोर्ट जैसे स्टॉक्स, इंडिया बुल्स रियल एस्टेट, भारत गियर्स और कोल्टे पाटिल जिसके नतीजे बाजार बंद होने से कुछ समय पहले आए इसमें अच्छी तेजी देखने को मिली। अब कल इंपॉर्टेंट है GDP के आंकड़े जो बाजार क्लोजली ट्रैक करेगा, इनफैक्ट आंकड़े बाजार बंद होने के बाद आएंगे जिसको उसका रिएक्शन बाजार पहली फैक्टर करने की कोशिश करेगा। बहुत बहुत शुक्रिया रजत इस तमाम अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए जैसा कि मानसून ने केरल में समय से पहले दस्तक दे दी है, दो दिन पहले यहां पर झमाझम बारिश देखने को मिली, मौसम विभाग ने इसकी आधिकारिक घोषणा कर दी है और समय से दो दिन पहले यहां पर केरल में मानसून पहुंच चुका है और 15 दिनों तक बारिश की रफ्तार तेज रहने की भी संभावना है। 8 से 9 जून को मॉनसून महाराष्ट्र पहुंच सकता है। मॉनसून के मोर्चे पर अच्छी खबर, समय से दो दिन पहले पहुंचा मॉनसून, केरल में मॉनसून ने दस्तक दी, अब की बार झमाझम बारिश। मॉनसून अब की बार तय समय से दो दिन पहले ही केरल पहुंच गया है, यानी अब की बार बद्रा के झमाझम बरसने के पूरे आसार हैं। दरअसल केरल पहुंचते ही देश में मॉनसून सीजन की आधिकारिक शुरुआत हो गई। आमतौर पर 1 जून को केरल में मॉनसूनी बारिश होती है, केरल के अलावा उत्तर पूर्व में भी जोरदार मॉनसूनी बारिश हुई। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 15 दिनों तक मॉनसून की रफ्तार काफी अच्छी रहने वाली है।
8-9 जून के बीच मॉनसून महाराष्ट्र में भी दस्तक देगा। मौसम विभाग ने इस साल देश में सामान्य बारिश की उम्मीद जताई है। मौसम विभाग के मुताबिक इस साल 100% बारिश की संभावना है। जाहिर है मॉनसून का आगाज बेहतर हुआ है तो इसका सीधा फायदा देश की अर्थव्यवस्था को होगा। अच्छे मॉनसून से खरीफ फसलें जैसे धान, मक्का, दलहन, गन्ने की बुआई बढ़ने की जहां उम्मीद बढ़ गई है, वहीं अच्छी बारिश से जहां सिंचाई की सुविधा नहीं है वहां बारिश होने से फसल अच्छी हो सकेगी। यानी कृषि उत्पादन अच्छा होने से न सिर्फ किसानों को फायदा होगा, महंगाई की मार भी कम होगी। यही नहीं, मॉनसून के 4 महीनों में झमाझम बारिश से नदियों, जलाशयों का जलस्तर बढ़ेगा, जिससे बिजली उत्पादन की क्षमता अच्छी रहेगी। अच्छे मॉनसून से काफी हद तक पानी की समस्या का समाधान होता है। यानी अच्छी बारिश मतलब फायदा ही फायदा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो मॉनसून ने केरल में तो दस्तक दे दी है। चलिए अब आपको बता देते हैं कि आखिर देश के अलग अलग हिस्सों में मॉनसून पहुंचने की सामान्य तारीख यहां पर क्या कुछ है। देखिए 1 जून को केरल, तमिलनाडु, पश्चिम मध्य और उत्तर पूर्व भारत में मॉनसून पहुंच सकता है। केरल में ऑलरेडी दस्तक दे चुका है तो आने वाले 2 दिनों में बाकी जगहों पर भी पहुंच जाएगा। 5 जून आते आते कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, उत्तर पश्चिम और असम में मॉनसून दस्तक देगा। 10 जून तक महाराष्ट्र, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और बिहार, ये जो ईस्ट मिडिल वाला रीजन है इसमें यहाँ पर मॉनसून दस्तक देगा। गुजरात, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश 15 जून तक, यानी कि अगले 15 दिनों में ये यहाँ पर ईस्टर्न इंडिया में भी पहुंच जाएगा। 1 जुलाई आते आते आपको उत्तर भारत के इलाके, राजस्थान, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल और जम्मू कश्मीर, यानी कि 1 जुलाई आते आते पूरे देश को यहाँ पर मॉनसून जो है वो कवर कर लेगा। 1 जुलाई से उत्तर भारत के भी कई इलाकों में यहाँ पर मॉनसून दस्तक दे देगा। आगे बढ़ लेते हैं कुछ और अहम खबरें। तो आने वाले दिनों में आपको अपने मोबाइल बिल के लिए कंपनियों के साथ माथापच्ची नहीं करनी होगी, क्योंकि टेलीकॉम रेगुलेटर ट्राई ने मोबाइल टैरिफ को ज्यादा पारदर्शी बनाने की प्रक्रिया शुरू कर दी है और इसके लिए ट्राई अगले 30 दिनों के अंदर नई गाइडलाइंस जारी करेगा। इसमें मोबाइल टैरिफ को पारदर्शी बनाने के साथ ही प्रीडेटरी टैरिफ और इंटरकनेक्ट रेगुलेशन को लेकर भी गाइडलाइंस होंगी। नई गाइडलाइंस से उपभोक्ताओं को टैरिफ का आंकलन करके सही ऑपरेटर चुनने में मदद मिलेगी। दरअसल रिलायंस जियो की एंट्री के बाद टेलीकॉम कंपनियों से डिफरेंशियल प्राइसिंग की शिकायतें मिल रही थी और आरोप लग रहे हैं कि टेलीकॉम कंपनियां ग्राहकों को रोकने के लिए डिफरेंशियल प्राइसिंग का सहारा ले रही है, यानी कि अलग अलग ग्राहकों को अलग अलग टैरिफ ऑफर कर रही है। ऐसे में ग्राहक को पता ही नहीं चलता कि वो कौन सा टैरिफ प्लान चुने। और इसी पर ट्राई चेयरमैन आरएस शर्मा से एक्सक्लूसिव बातचीत की असीम मनचंदा ने। हमारे साथ टीआरआई चेयरमैन आरएस शर्मा, सर आप ये कंसल्टेशन पेपर लेकर के आए, क्या आपको लगता है कि टेलीकॉम कंपनियां जो है अब ट्रांसपेरेंट नहीं है अपने टैरिफ सिस्टम में जो दे रही हैं वो? नहीं नहीं, ऐसी बात तो नहीं है। हम जो कंसल्टेशन पेपर लेकर आए हैं उसमें हमने ये कहा है कि वर्तमान में जो व्यवस्था है ट्रांसपेरेंसी की, नॉन डिस्क्रिमिनेशन की, प्रेडेटरी की, ये सारी जो परिभाषाएं हैं प्रमोशनल ऑफर्स की, उनमें किसी तब्दीली की ज़रूरत है कि नहीं, किसी एनहांसमेंट की ज़रूरत है कि नहीं, क्या ये परिभाषाएं पर्याप्त हैं आज की स्थिति को रिस्पॉन्ड करने के लिए, या इनमें किसी परिवर्तन की आवश्यकता है। सर टेलीकॉम कंपनियां भी 25 प्लान जो है वो दे सकती हैं, आपको लगता है इसको कम करना चाहिए ताकि टेलीकॉम कंपनियों को जो कंज्यूमर्स हैं उसको ज़्यादा सही टैरिफ मिल पाए, उनको क्लैरिटी आ पाए उनको? देखिए, जहाँ तक 25 प्लान्स तक लिमिट करने के लिए जो व्यवस्था की गई है उसका उद्देश्य यही है कि बहुत ज़्यादा प्लान्स होने से ना मल्टीप्लिसिटी में कस्टमर भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, तो उसको कम किया जाए। बट आई थिंक एक बैलेंस स्ट्राइक करना होगा। हमें जो टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर की जो इनोवेटिव प्लान्स हैं उनको भी ध्यान में रखना है, तो बहुत रेस्ट्रिक्शन भी करना उचित नहीं होगा। तो नंबर ऑफ प्लान्स के बारे में आज कोई परिचर्चा नहीं थी कि कितने लिमिट किए जाएँ, लेकिन बेसिकली मुझे लगता है कि वर्तमान जो व्यवस्था है वो सही है। सर इसके अलावा डिस्क्रिमिनेटरी टैरिफ्स दे रही हैं कंपनियां, जैसे अभी आपने खुद भी कहा कि शर्मा जी को मिल रहा है या फिर मिश्रा जी को नहीं मिल रहा, उसको लेकर के आप किस तरह की कोई गाइडलाइंस लाएंगे कुछ? देखिए, आज के कंसल्टेशन का उद्देश्य जो हमारे टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर्स और बाकी जितने हमारे स्टेक होल्डर्स हैं उनसे अपने उनके विचार एलिसिट करना था, और इसी क्रम में हो सकता है अथॉरिटी प्रश्न पूछती है कि भाई इसकी थोड़ा अपने आप में क्लैरिटी लाने के लिए, उसका उद्देश्य कोई आर्ग्यूमेंट देना नहीं है। तो जब मैंने ये बताया और शर्मा जी और मिश्रा जी का जो एग्जांपल दिया उसका उद्देश्य ये नहीं था कि हम उनको क्वेश्चन कर रहे हैं, उनका उद्देश्य ये था कि उनके क्या विचार हैं इस विषय में, ये जो परिभाषा नॉन डिस्क्रिमिनेशन और ट्रांसपेरेंसी
क्या चीज़ नॉन डिस्क्रिमिनेटरी है, कौन चीज़ ट्रांसपेरेंट है और कौन चीज़ ऐसी नहीं है, उसी में विभेद करने का के उद्देश्य से हम लोग प्रश्न ये पूछ रहे थे। और इसी पर आप हमारा खास कार्यक्रम देख सकते हैं शाम 6 बजे। रिजर्व बैंक ने बैंकों को चेतावनी दी है कि अगर वो सेवाएं नहीं सुधारते हैं तो बैंक अकाउंट पोर्टेबिलिटी दर दूर नहीं है। रिजर्व बैंक के मुताबिक आधार और यूपीआई आने से अब ये मुश्किल नहीं रहा है। रिजर्व बैंक ने फोन बैंकिंग, पासबुक में सुधार, डिजिटल सिक्योरिटी पर फोकस दिया है और बैंकों के बढ़ते चार्जेस पर आरबीआई का कहना है कि इसकी सीमा तय नहीं है, लेकिन अगर ये हद से ज्यादा होगा तो रिजर्व बैंक इस पर दखल देगा। बैंकों के ग्राहक जितने बढ़ रहे हैं शिकायतें भी बढ़ रही है। रिजर्व बैंक के मुताबिक बैंक अगर ग्राहकों को बेहतर सेवाएं नहीं देंगे तो बैंक अकाउंट पोर्टेबिलिटी का दिन दूर नहीं है। यूपीआई प्लेटफॉर्म और आधार से जुड़े खातों में आसानी से पोर्टेबिलिटी मुमकिन होगी। ग्राहक बिना मुश्किल मौजूदा बैंक खातों को पसंद के बैंक में ट्रांसफर करा सकेंगे, जिसमें न ग्राहकों का बैंक अकाउंट नंबर बदलेगा और न ही सेवाएं। रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर एसएस मुंद्रा ने कहा है कि अब समय आ गया है कि बैंक अपनी सेवाएं बेहतर करे, क्योंकि नई तकनीक के बाद अब ग्राहक बंधे नहीं रहेंगे। यू विल हैव अ साइलेंट कस्टमर व्हिच वुड सिंपली मूव अवे विदाउट इवन टॉकिंग टू यू। सो बोथ वे बैंक शुड प्रिपेयर फॉर दैट इवेंचुअलिटी एंड ऑल द स्टेक होल्डर्स शुड एटलीस्ट स्टार्ट थिंकिंग दैट हाउ द अकाउंट नंबर पोर्टेबिलिटी can be made a reality in the Indian banking sector. रिजर्व बैंक के मुताबिक बैंक अकाउंट पोर्टेबिलिटी के लिए जिस बैंक में खाता ट्रांसफर किया जा रहा है और जिस बैंक में खाता ट्रांसफर हो रहा है, दोनों के पास ग्राहक की जानकारी होना जरूरी है। आधार और यूपीआई होने से ये आसान हो चुका है। अभी इंट्रा बैंक पोर्टेबिलिटी सुविधा है, यानी ग्राहकों का जिस बैंक में खाता है वो उसी बैंक के किसी दूसरी ब्रांच में अपना खाता शिफ्ट कर सकते हैं। इसके लिए ग्राहकों को नया केवाईसी भी नहीं करना पड़ता, लेकिन पूरी तरह बैंक अकाउंट पोर्टेबिलिटी की सुविधा अभी नहीं है। जनरल इंश्योरेंस पॉलिसी और मोबाइल नंबर पोर्टेबिलिटी अभी लागू है, जिससे कंपनियों पर सेवाएं बेहतर करने का दबाव बना है। पीपल हैव अ राइट टू चूज अ बैंक ऑफ देयर चॉइस। They can shift from one bank to another bank without losing the account number, because sometimes account number the sacrosanct they have given those account numbers at various places. So they are interested that their account, they need not write back to all the people to change the account number where the money is to come. Reserve Bank ने बैंकों से दूसरी और सेवाओं को भी बेहतर बनाने के लिए कहा है, जैसे फोन बैंकिंग सेवाओं को भी दुरुस्त करने को कहा है, ताकि ग्राहकों को IVRS पर लंबा इंतजार न करना पड़े। रिजर्व बैंक ने सेवाओं के मामले में बैंकों से सीनियर सिटीजन पर ज्यादा ध्यान देने को कहा है। बैंक चार्जेस पर रिजर्व बैंक का कहना है कि रिजर्व बैंक बैंकों की सर्विसेज की फीस पर दखल नहीं देता, लेकिन जरूरत पड़ने पर इसमें दखल दिया जाएगा। अनुराग शाह, जी मीडिया, मुंबई। बैंकों के बढ़ते बैड लोन्स पर सबसे बड़ी खबर, और साथ ही साथ सरकार और आरबीआई के कॉर्पोरेट्स के तेजी से बढ़ते एनपीएस पर एक्शन की तैयारी शुरू कर दी है। सरकार और आरबीआई ने ऐसे करीब 50 स्ट्रेस्ड अकाउंट्स चिन्हित किए हैं जिन पर एक्शन हो सकता है, और इस लिस्ट में भूषण स्टील, वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज, जेपी ग्रुप, एसआर लिमिटेड, जिंदल ग्रुप और मोनिटर इस्पात जैसी कंपनियां शामिल हैं, जिन पर करीब 4 से 5 लाख करोड़ रुपए का लोन बकाया है। इन कंपनियों में से कुछ नाम प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ भी शेयर किए गए हैं। एनपीए अध्यादेश लागू होने के बाद आरबीआई एक्शन में आ गया है। सरकार और आरबीआई की नजर करीब 5 लाख करोड़ रुपए के बैड लोन्स पर टिक गई है। ये उन कॉर्पोरेट्स के लोन हैं जो या तो एनपीए हो चुके हैं या जिन्हें रिस्ट्रक्चर किया गया है। सरकार और आरबीआई ने ऐसे करीब 50 स्ट्रेस्ड अकाउंट चिन्हित किए हैं जिन पर एक्शन की तैयारी हो रही है। इस लिस्ट में देश की कई बड़ी कंपनियों के नाम शामिल हैं। बैंकों द्वारा सरकार को दिए गए डेटा के मुताबिक दिसंबर 2016 तक भूषण स्टील पर 90,000 करोड़ रुपए बकाया है, जबकि वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज पर 58,000 करोड़ और जेपी ग्रुप पर 55,000 करोड़ रुपए बकाया है। एसआर लिमिटेड पर 50,000 करोड़ रुपए का बकाया है, जबकि जिंदल ग्रुप पर 38,000 करोड़ रुपए और आलोक इंडस्ट्रीज पर 25,000 करोड़ रुपए बकाया है। लिस्ट यहीं खत्म नहीं होती। लेंसो पर 19,000 करोड़ तो एबीजी शिपयार्ड पर 15,000 करोड़ रुपए बकाया है और पुंज एल लॉयड पर 14,000 करोड़ का बकाया है। इलेक्ट्रो स्टील स्टील्स पर 14,000 करोड़, एबन होल्डिंग्स पर 13,000 करोड़ और मोनेट इस्पात पर 12,000 करोड़ रुपए बकाया है। ये वो कंपनियां हैं जिन्होंने बैंकों से लोन तो ले लिया, लेकिन अब इनसे लोन चुकाया नहीं जा रहा। इन 50 कंपनियों के कुल लोन की रकम 4 से 5 लाख करोड़ रुपए के बीच है।
ये सरकारी बैंकों के 80-85% बैड लोन का हिस्सा है। इन कंपनियों में से कुछ नाम प्रधानमंत्री कार्यालय के साथ शेयर किए गए हैं। वित्त मंत्री अरुण जेटली भी कह चुके हैं कि बैड लोन की दिक्कत कुछ ही अकाउंट्स तक सीमित है। The magnitude is that essentially it is about 20 to 30 big accounts. It's not something a problem spread over hundreds or thousands of accounts. And therefore, if the banking system is to resolve this 20 to 30, which is not an impossibility, and therefore we've tried various measures. सरकार ने NPS से निपटने के लिए हाल ही में NPS अध्यादेश लागू किया है, जिससे RBI को ज्यादा अधिकार मिल गए हैं। आपको बता दें कि सरकारी बैंकों में अप्रैल 2016 में बैड लोन की संख्या करीब 5 लाख करोड़ रुपए थी, जो दिसंबर 2016 में बढ़कर 6 लाख करोड़ रुपए हो गए। आप इसी बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि कुछ कॉर्पोरेट्स के बैड लोन की वजह से बैंकों के NPA कितनी तेजी से बढ़ रहे हैं। अगर इन 50 कंपनियों से लोन की रिकवरी हो जाए तो सरकारी बैंकों में 4-5 लाख करोड़ रुपए वापस आ सकते हैं, जिसका फायदा ग्राहकों को सस्ती ब्याज दरों के रूप में मिल सकता है। इनमें से कुछ लोन्स को स्पेशल मेंशन अकाउंट कैटेगरी में रखा गया है, यानी ऐसी कंपनियों ने 90 दिन तक ब्याज की पेमेंट नहीं की है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो न्यूज़ 8 में मेरे साथ बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।